नुपुर, मेरा सवाल यह है, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि नारा इतनी जोर से लगाओ कि दीदी के कान तक जाए, क्योंकि उनको चिढ़ मचती है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुझे समझाएं, देश तो चिढ़ाने के लिए आपके लिए कि जिस संविधान, तो आप ऑफिशियली कह रही है ये चिढ़ाने के लिए नहीं है, हम नहीं चिढ़ा रहे, तो आपने बोला अभी चिढ़ाने के लिए, आप बता दीजिए अमीश जी, वो चिढ़ रही है अमीश जी, मैंने कहा वो चिढ़ रही है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, मेरे घर में आज भी सुबह उठ के सबसे पहले राम राम कहते हैं, मैं किसी से मिलती हूं तो राम नाम, राम का नाम लेते हैं, और सिर्फ हमारे घर में नहीं, आप इस देश में कहीं चले जाएंगे तो राम नाम लिया जाता है, राम राम से आप ग्रीटिंग करते हैं, जय सिया राम से आप ग्रीटिंग करते हैं। मुझे बता दीजिए, सिवाय दीदी के छोड़ के कितने लोग चढ़ रहे हैं इस देश के अंदर, इस देश के नागरिक? जी मैं तौसीफ खान का रुख करता हूं। तौसीफ खान, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जय सिया राम जो है, जय श्री राम जो नारा है वो तो देश का नारा है, तो अब इससे अगर आप चिड़के जाएंगे तो जाएंगे क्या? आज गृह मंत्री ने बोला कि नारा इतनी जोर से लगे कि दीदी के कानों तक आवाज जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इज लूजिंग द प्लॉट नाउ? देखिए, परिवर्तन जो है वो अस्पताल के नाम से होना चाहिए, स्कूल के नाम से होना चाहिए, इंडस्ट्री के नाम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया बंगाल में बीजेपी वालों ने कि वो जो है भगवान का कंपटीशन करने लगे। अरे जो भारत की जनता है उनके लिए हर एक भगवान का वो आदर करते हैं। अभी दिलीप घोष जी क्या किया, उन्होंने चार दिन पहले क्या कहा, कह दिया कि दुर्गा माँ का के एंसेस्टर के बारे में कोई खबर नहीं है, बल्कि श्री राम के एंसेस्टर के बारे में खबर है। इस तरह की बातें उन्हें करने की क्या जरूरत है? और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी ने फिर उन्हें चैलेंज किया कि आप बोलिए जय सिया राम, बोलिए आप दुर्गा माँ का आप इंसल्ट कर रहे, क्योंकि आपके मन में औरतों के लिए इज्जत नहीं है, आप सिर्फ जय श्री राम कहते हैं, जय सिया राम नहीं कहते, आप श्री राम कहते हैं। तो ये इस तरह का चर्चा, ये मजहबी चर्चा, ये धर्म वाली चर्चा, ये सियासी लोग क्यों कर रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, आपका आपकी आपत्ति है कि बीजेपी मजहबी चर्चा कर रही है, धर्म वाली चर्चा कर रही है, वो धर्म वाली चर्चा नहीं करनी चाहिए। नुपुर से मैं जवाब दिलवा देता हूँ आपको, दुर्गा माँ के इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? नुपुर शर्मा, आस्था में दुर्गा माँ, दुर्गा पूजा, लेकिन जब जय सिया राम अभिषेक बनर्जी को भी कहने को मजबूर करना होना पड़ रहा है तो वो मजहबी चर्चा नहीं है? ये इस पे पॉलिटिक्स होगा, जब इफ्तार पार्टी होती है तो वो मजहबी कार्यक्रम नहीं होते? आपको तो बात करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए, देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया है, उस पर उनको चर्चा नहीं करना है बीजेपी को, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और आपको भी अमीश भाई, आपको भी तो करना चाहिए ना, आप टीवी शो चला रहे हैं परिवर्तन बनाम राम, आप परिवर्तन बनाम पेट्रोल क्यों नहीं करते? क्या आपको ये पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं दिखता, चुनाव का मुद्दा नहीं दिखता कि हाँ 100 से ज्यादा रुपया हो गया पेट्रोल का दाम, उसको कम होना चाहिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना क्रूड ऑयल का दाम इतना कम है? ठीक है, आपने बड़ा ध्यान दिया कि आपको इस विषय पर डिबेट करनी चाहिए, राम के विषय पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, फलाने विषय पे ढिमकाने विषय पे डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, आपका सजेशन है, आपका आपकी आपकी ये राय है, आपकी ये राय है, बिल्कुल। आप एक सेकंड, अब आप एक सेकंड, तौसीफ आप सुन लीजिए, तौसीफ खान की जनता के साथ धोखा है, आप बंगाल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, आप जो है एक तरफ माँ दुर्गा को नीचा दिखा दे रहे हैं, एकदम ठीक है, ओके, आरोप लगा दिए कि बीजेपी धोखा कर रही है बंगाल की जनता के साथ, ठीक है, ओके, मजहबी चर्चा क्यों? ठीक है, जवाब नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा जवाब। मैं तीन चीज कहूंगी। सबसे पहले तो दिलीप घोष जी ने ये, आप कुछ भी तोड़ मरोड़ लिए, दिलीप घोष जी ने तो ये कहा था कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दिलीप घोष जी ने तो ये कहा था कि आदर्श पुरुष के हिसाब से किस तरीके से राज्य चलना चाहिए, ये सीखना चाहिए। लेकिन आज आपको दुर्गा देवी माँ की इतनी चिंता आन पड़ी, जरा दो सवाल पूछूंगी, जवाब दीजिएगा मुझे ध्यान से। वो माँ दुर्गा देवी जिसके विसर्जन को रोक के, क्योंकि मुहर्रम का प्रोसेशन चल सके, ये आपके राज्य सरकार का एक पारित ऑर्डर था, कोर्ट तक घसीट के लेके गए थे लोग कि मुहर्रम हो सकता है, मुहर्रम प्रोसेशन हो सकता है, लेकिन दुर्गा देवी विसर्जन क्यों नहीं हो सकता? दूसरा सवाल, जब जेएनयू के अंदर महिषासुर डे सेलिब्रेट, ना मेरे को कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, कंप्लीट करने दीजिए। जब जेएनयू के अंदर महिषासुर डे सेलिब्रेट होता है और दुर्गा माँ को गाली देने वाले पोस्टर निकलते हैं, तो आपकी दीदी चुप्पी साध जाती है।
लेकिन वहीं पे जेएनयू के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी एक प्रदर्शन करता है तो आप परमिशन दे देते हैं? मैं पूछना चाह रही हूं, ये दुर्गा देवी जी के साथ ये आपने इतना धोखा क्यों किया है कि आप मुहर्रम के चक्कर में उनको रोक देते हैं, उनके पक्ष में आप बोलते नहीं हैं, और उनके लिए किस तरीके के भी पोस्टर निकल आए आप चुप्पी साथ जाते हैं। देखिए, जिस सरकार ने इमामों को स्टाइफंड दिया था, पैसे दिए थे, करदाता के पैसे से वेतन तक आपने लागू कर दिया, आज वो कृपया करके दुर्गा देवी और राम भगवान के भक्तों के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करें। पहली बात कि ये कहा हुआ बात है दिलीप घोष जी का, आप कोई भी न्यूज आर्टिकल दिखा लीजिए, आप वो वाला वीडियो उठा करके देख लीजिए, उन्होंने क्वेश्चन किया था और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है मैं उसको आपको कोट कर रहा हूँ कि ही आस्क्स, मैं उनकी हिंदी में बता रही हूँ, क्वेश्चन मार्क, हिंदी पढ़िए, हिंदी का विश्लेषण करिए, हिंदी तो उनको बोलना भी नहीं आता, हिंदी तो उनको बोलना भी नहीं आता, आप बता दीजिए, बोलने भी नहीं सकते, मुहर्रम के चलते दुर्गा देवी विसर्जन क्यों बैन किया? हाँ आइए आइए, विसर्जन बैन नहीं हुआ, मुहर्रम के चलते दुर्गा देवी विसर्जन नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हैं, ये गलत, क्या विसर्जन बात कर का रहे हैं? रूट को आपको अभी दिखाती हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, विसर्जन के रूट को बदला गया, तो किसने किया? विसर्जन के रूट को बदलना, डिसीजन तो किसका होगा भाई साहब? विसर्जन को रूट बदलना और भैया बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन अमीर जी आप कर रहे थे या मैं कर रही थी, या दीदी की सरकार कर रही थी? देश के लोगों को गुमराह ना कीजिए। अच्छा देखिए, बैन कर देना अलग चीज है भाई साहब, कुछ बदलना अलग चीज है, ये लीजिए, झूठ बोलना आसान होता है, बंगाल की जनता को कोई, बंगाल की जनता को कोई इससे परेशानी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ना मैं चला रही थी ना अमीश चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन दीदी की सरकार चला रही थी।